तो मेरी पुरानी वीडियो पे एक स्टूडेंट ने कमेंट आया जिसमें उसने अपने हाफ ईयरली का जो रिजल्ट था वो शेयर कर रखा था। मार्क्स उसके कुछ इस प्रकार से थे, मैं आपको साइड में स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। फिजिक्स में उसके मार्क्स थे 23, केमिस्ट्री में थे 29, बायो में थे 42 और इंग्लिश में थे 45, फिजिकल में थे 47 और टोटल मिला के उसके जो मार्क्स बन रहे थे वो बन रहे थे 186 आउट ऑफ 360 और उसकी जो अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज थी वो थी 52%। अब हो सकता है आप में से काफ़ी स्टूडेंट के मार्क्स इसी रेंज के आसपास होंगे। और बाद में उसने मेरे को पर्सनली मेल भी किया कि भैया मैं इसको डेफिनेटली इम्प्रूव करना चाहता हूँ, अपने फाइनल एग्ज़ाम में 52% से लेकर 95% तक जाना चाहता हूँ, आप एक कंप्लीट रोड मैप बता दीजिए ताकि हमारी हेल्प हो सके। और काफ़ी इसके जैसे भाई काफ़ी स्टूडेंट ने कमेंट आया भैया प्लीज़ क्लास 11th के लिए वीडियो बनाई जाए, तो आपकी भाई भारी डिमांड पर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसको वीडियो को ध्यान से देखना, अच्छे से जो जो बातें बताई जा रही हैं उनको कॉपी पेन लेके नोट डाउन कर लेना। इसमें आने वाला आपका जो 2 या 2.5 महीने बचे हैं ना आपके एग्ज़ाम के, जितने भी जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी दिन से लग जाना सीरियस होके। ये पूरा कंप्लीट रोड मैप होने वाली है एक तरह से आपके लिए फाइनल एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगेन। तो तुम्हारा ये मकसद नहीं होना चाहिए कि भैया सिर्फ हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर तुम्हारा ये मकसद लेके चलोगे तो तुम सिलेबस तो कंप्लीट कर लोगे काफ़ी हद तक, 90% तक कर लोगे, लेकिन पिछला भूलते जाओगे और वो लंबे समय तक तुम्हें याद रहने वाली है, तो इस चीज़ का हमारा कोई भी फायदा नहीं है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है मैं तुम्हें ना पूरा कंप्लीट रोड मैप बताता हूँ। सबसे पहले देखो तुम्हारे जो मेन सब्जेक्ट रहने वाले ना वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो। बायो वाले रिप्लेस कर लेना मैथ वाले से, बताने जरूरत नहीं है, अभी मत करना भैया हमारे पास मैथ नहीं है। तो सबसे पहले हम अपने मेन सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो मेन सब्जेक्ट सभी के यही रहते हैं ज़्यादातर के, फिजिक्स एक हो गया, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा जो है वो है बायो, और अगर बायो के बच्चे नहीं हो तो मैथ के बच्चे हो तो इसको रिप्लेस करके मैथ ऐड कर सकती हो। जिसके पास दोनों है तो भाई तुम्हें ज़्यादा मैथ करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। अब ये तो तुम्हारे मेन सब्जेक्ट में आते हैं, और बाकी जो तुम्हारे एडिशनल और लैंग्वेज सब्जेक्ट में कौन से आएंगे, एक इंग्लिश आएगा, ठीक है, इंग्लिश आएगा, फिजिकल आएगा, किसी का कंप्यूटर साइंस हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा किसी का हिंदी भी हो सकता है। इनमें से भाई ऑप्शनल में से ये इन दोनों में सब्जेक्ट में से किसी का ये हो सकता है, तो अपना सब्जेक्ट कम्बिनेशन तुम्हें बना लेना अपने हिसाब से जो जो सब्जेक्ट हो सकता है। अब तुम्हें करना कैसे सिलेबस कंप्लीट वो मैं तुम्हें ध्यान से बताता हूँ। देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है ना, इसे मैं मिटा देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ सके। तो सबसे पहला तुम्हारा काम है ना कॉपी पेन लेके आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। तुम्हें ना फाइनल एग्जाम में 95% मार्क्स जरूर लेके आओ अगर तुमने ये फॉलो कर लिया। तो सबसे पहले क्या करो तुम है ना, अपना प्लान डिसाइड कर लो, या तो तुम A4 चार्ट शीट पर चिपका लेना अब जहाँ पर तुम स्टडी करते हो, या फिर तुम्हें एक बड़ा सा चार्ट पेपर लेना उस पर चिपका लेना, या फिर तुम एक ऐसा कर सकते हो हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग शीट बना लेना, जो ऐसा तुम्हें सही लगे वैसा तुम्हें कर लेना है। अभी तो तुम क्या करो रफली एक है ना पेपर पेन लेके वो बना लो अपनी नोटबुक में। तो सिंपली तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें डिवाइड कर लेना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जो तुम्हारी मैथ है, ठीक है। अब तुम्हें चार्ट पेपर के हिसाब से अपने ना बनाने हैं, जो भी तुम्हारी नोटबुक है ना यहाँ पर तुम्हें लिखने कंप्लीट चैप्टर, यहाँ पर लिखने तुम्हें इनकम्प्लीट चैप्टर, इसी तरह से यहाँ पर कंप्लीट, यहाँ पर इनकम्प्लीट, यहाँ पर कंप्लीट, यहाँ पर इनकम्प्लीट। तो फिजिक्स में तुम्हारे जितने भी चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, मान लो तुम्हारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए तुम्हें टिक मार देना है, तुम्हारे 2 चैप्टर कंप्लीट नहीं हुए हैं तो तुम्हें क्रॉस मार देना है, इस तरह से तुम्हें बना लेना है एक चार्ट पेपर, ठीक है। इसी तरह से तुम्हें फिजिक्स में करना है कितने कंप्लीट हुए हैं कितने कंप्लीट नहीं हुए, इसी तरह से तुम्हें बायो में करना है कितने कंप्लीट हुए कितने नहीं हुए, और इसी तरह से तुम्हें मैथ में करना है कितने कंप्लीट हुए कितने। अब भैया कंप्लीट कहने का मतलब क्या है, अच्छी तरीके से आते हैं वो कंप्लीट, हाँ तुम्हें अच्छी तरह से तुम्हारे माइंड में सेट हो चुके हैं वो चैप्टर इस तरह से कंप्लीट। अब यूँ नहीं हल्का फुल्का पढ़ा है उसको भी तुम ऐड कर लो, हल्के फुल्के वाले को तुम्हें रखना है सर्कल वाले में, सर्कल बना लेना जिसके हल्के फुल्के हो रखे ना उसके ऊपर सर्कल बना लेना, इस तरह से तुम करोगे ना। अब लास्ट में तुम क्या करो टोटल चैप्टर कैलकुलेट करना, जितने भी तुम्हारे यहाँ पे ये तुमने बना लिए यहाँ पे तुम्हारा आएगा टोटल, टोटल चैप्टर आएंगे तुम्हारे कितने चैप्टर बचे हैं। फॉर एग्जांपल की मान लो सभी सब्जेक्ट के मिला के तुम्हारे चैप्टर आ रहे हैं लगभग 25 चैप्टर आ रहे हैं, 25 चैप्टर वो हैं जो हमें अभी पेंडिंग है हमारे, और बाकी तुम्हारे पेंडिंग बचे हुए हैं सभी सब्जेक्ट के मिला के। किसी के भाई किसी के 28 आएंगे, किसी के 30 आएंगे, सभी के डिफरेंट डिफरेंट आ सकते हैं। अब यूँ मत सोचना कि भैया मेरे तो आ ही नहीं रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई तुमने सारे कंप्लीट कर लिया हो। अब इन चैप्टर को कैसे कंप्लीट करना है वो सुनो ध्यान से। सिंपली हमारा जो इस समय पर साधन है जो हमारी डूबी हुई नैया को पार लगा सकता है वो है भाई सिंपली यूट्यूब।
YouTube से तुम्हें सिंपली वन शॉट लेक्चर देखने हैं, तुम्हें बाकी अदर किसी चैनल पे फॉलो नहीं करना, या फिर तुम YouTube पे भी दिक्कत आती काफ़ी बच्चों को, भैया कौन से चैनल फॉलो करें। तो यार तुम्हें ना सिंपली मैंने एक वीडियो बनाई थी, अब तो तुम कहोगे भैया अपना वीडियो का प्रमोशन करते रहते हो, बताते कुछ होंगे। तो यार देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, यहाँ पर तुम्हें ध्यान से सिंपली को सुनना। देखो वीडियो है ना YouTube पे बहुत सारी अवेलेबल है, अब बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि भैया कौन सी देखें कहाँ से देखें। अगर तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट है, तुम्हारे सामने वो वीडियो सजेशन में आ रही है, तो तुम्हें भाई भूलकर भी उस पर क्लिक नहीं करना है। तुम ये सोचते हो भैया चलो अच्छा टीचर है, बढ़िया मास्टर है, इसकी वीडियो आई है इसको देख लेते हैं, रिवाइज भी हो जाएगा और हमारा अच्छे से कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा। तो वहाँ पर यार तुम्हारी रिविजन तो हो जाएगी, लेकिन तुम्हें ना आराम से जैसे मूवी देखते ना उस तरीके से उस लेक्चर को देखते हो, तो इससे कोई बेनिफिट नहीं है। इससे अच्छा तुम्हें ना दूसरा चैप्टर उठाओ और उसको अच्छे से कॉपी पेन लेके नोट्स बनाओ, इस तरह से तुम्हारा अगला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और वो चैप्टर जो तुमने रिवाइज करना चाह रहे थे उसको तुम नेक्स्ट डे रिवाइज कर लेना, यानी कि संडे डिसाइड कर लेना, पूरा वीक में जो पढ़ोगे उस दिन संडे को तुम पूरा चैप्टर रिवाइज कर रहे होगे, इस तरह से तुम्हारा सिंपली हो जाएगा। अब है ना तुम्हारे पास काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, मैं तुम्हें बता दूं 2 से 2.5 महीने लगभग मान के चलो, क्योंकि दिसंबर में तुम्हारे लगभग लगभग यार प्रैक्टिकल फाइल भी तुम्हें बनानी पड़ेगी। तुम्हें पता है काफ़ी बच्चों को तो पता ही नहीं होगा भाई 11th में प्रैक्टिकल फाइल बनानी पड़ती है, भाई 11th में प्रैक्टिकल फाइल बनाती है, यूँ नहीं 12th में बनानी पड़ती है, फिर 10th में बनाती है, 11th में बनाते हैं। और अब देखो दिवाली आ रही, दिवाली पे मौज मस्ती मारोगे, अगर तुम सीरियस बच्चे हो ना भाई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो हल्की थोड़ी बहुत मौज मारना। दिवाली भाई ज़्यादातर लोग रात को ही बनाते हैं, ज़्यादातर क्या पूरा इंडिया रात को ही दिवाली बनाता है, बस कहने को पूरे दिन की दिवाली होती है, रात को दिवाली बनाई जाती है, पूजा भी रात को की जाती है। तो उसमें जो तुम्हें टाइम मिलेगा उसमें तुम्हें कंप्लीट करना है अपना सिलेबस, जो जो मैंने इसमें बातें बताएं इसी तरह से कंप्लीट करना, या एक काम करना पूरे वीक में तुम जो भी पढ़ाई करते हो ना उसको है ना एक संडे डिसाइड कर लेना, संडे वाले दिन तुम डिसाइड कर लेना, उस दिन तुम ना कंप्लीट रिवीजन कर रहे होगे। अब कंप्लीट रिवीजन देखो पूरे संडे वाले दिन 24 घंटे तो तुम नहीं पढ़ सकते यार, 24 घंटे में 8 घंटे तो सोओगे, 8 घंटे मान लो कुछ अदर एक्टिविटीज़ में, 16 घंटे निकाल दिए। अब 16 घंटे में से तुम्हें कितने 24 में से 16 के कितने बचे 8 बचे। अब इस 8 घंटे की तुमने स्टडी करनी है, 8 घंटे की स्टडी करनी है, 8 घंटे में तुम्हें डिवाइड कर लेना कितने 4 स्लॉट कितने घंटे के 2 घंटे के, 2 घंटे में भी कितने भाई इसमें है ना आपको 50-50 मिनट पढ़ने हैं, 50-50 मिनट पढ़नी है और 10-10 मिनट का ब्रेक लेना है, इस तरह से 2-2 घंटे के 4 स्लॉट बनाना, 8 घंटे तुम स्टडी कर लोगे इस तरह से। और तुम्हें कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है या फिर कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, जो तुम्हारी मर्जी हो, जो तुम्हें पसंद करता हो, जो तुम्हें ईजी लगता हो वो चैप्टर तुम्हें पहले पढ़ना है। अब यूँ नहीं यार भैया फिजिक्स बहुत मुश्किल लगती है, फिजिक्स का लेके बैठ जाओ, फिजिक्स का लेके बैठोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस पहले ही डाउन हो जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ जो काफ़ी बच्चे नहीं करते, मिस्टेक सबसे बड़ी है ये, वो ध्यान सुनना अब जो पॉइंट में बताने वाला हूँ, और तुमने ये फॉलो कर लिया ना तुम है ना कभी मात नहीं खाओगे। देखो जैसे जैसे तुम है ना अपना चैप्टर कंप्लीट करते जाओ, जैसे जैसे तुम अपनी माइलस्टोन अचीव करते जाओ, वैसे वैसे ना तुम्हें ना प्रोग्रेस शीट बनानी है, अपना है ना प्रोग्रेस बार चेक करना है, जैसे यूट्यूब पर चलता रहता है ना प्रोग्रेस बार कि कम वीडियो खत्म होगी, ये एक तरीका होता है मैं तुम्हें बता दूँ हुक बनाने का, जैसे प्रोग्रेस बार ऐसे चलता रहेगा जैसे वीडियो खत्म होगी प्रोग्रेस बार, तो आधा ध्यान तो ऑडियंस का ही रहता है कि प्रोग्रेस बार ये ख़त्म कब होगा, और इसी तरह मैं उसका हुक बन जाता है। तो तुम्हें भी अपने है ना भाई प्रोग्रेस बार बना के चलना है, एक शीट बना लेनी है भाई, शीट बनाना बहुत ज़रूरी है जीवन में, अगर तुम शीट बना लोगे ना अपने जीवन में तो बहुत आगे जाओगे। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, पहले तुम्हारा प्रोग्रेस बार क्या था यहाँ पे लिखना है, पहले बिफोर वाला कि भैया मैं कितना स्टडी कर पा रहा था, और आफ्टर वाला यहाँ पे लिखना है। और मान लो तुम पहले कितने घंटे पढ़ पा रहे थे, कोई बच्चा भाई मान लो 1 घंटे पढ़ पा रहा था, 1 घंटे, और उसने 1 हफ्ते बाद नोटिस किया कि भाई मैं 2-2.5 घंटे पढ़ पा रहा हूँ, तुम्हें ना अपने आप ही कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा, तुम्हें ना ये जो टाइम है ना यहाँ से यहाँ का जो टाइम है ये अपने आप ही इंक्रीज़ करने लग जाओगे, यहाँ का जो टाइम है अपने आप इंक्रीज़ करने लग जाओगे। जब तुम ये प्रोग्रेस शीट देखोगे ना हर वीक में, हर संडे को ये तुम्हें प्रोग्रेस शीट चेक करनी है कि अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हुई, अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर कर दें ताकि उसकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।